नंबर वन, फर्स्ट ट्रिक को करने के लिए किसी भी गाड़ी के साथ इस लोकेशन पर आ जाना है। उसके बाद गाड़ी को ब्रिज से तेजी से जंप करा देना है और गाड़ी को कुछ आगे ले जाकर उतना डैमेज कर देना है कि एक या दो गोली मारने पर गाड़ी ब्लास्ट हो जाए। उसके बाद गाड़ी को थोड़ा पीछे ले जाकर स्पीड में आगे लाना है। उसके बाद गाड़ी जैसे ही गिरने वाला हो तुरंत जंप करके गाड़ी को हवा में ब्लास्ट कर देना है। उसके बाद आप देखोगे कि गाड़ी हवा में ही रह गया, जो देखने में मस्त और अनबिलीवेबल लगता है। अगर आपका दोस्त या कोई एनिमी ये गाड़ी को ऐसे हवा में देख लेता है तो वह पूरी तरह से सरप्राइज हो जाएगा और पक्का पूछने वाला है कि आपने ये गाड़ी को हवा में कैसे किया। और ये गाड़ी गिरने वाला भी नहीं है। अगर आप चाहो तो इस गाड़ी पर जंप करके जा सकते हो, तब भी गाड़ी हवा में ही रहेगा, गिरेगा नहीं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपने दोस्तों को दिखा सकते हो। तो चलिए देखते हैं अगला ट्रिक। नंबर टू, सेकंड ट्रिक को करने के लिए व्हाइट कार को लेकर रिवर साइड के इस वाले लोकेशन पर आ जाना है। और जैसे मैं इस कार को इस लकड़ी से सटाकर सेट कर रहा हूँ, सेम आपको भी वैसे ही सेट कर लेना है। उसके बाद गाड़ी से उतरकर इंटर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गेट ऑफ पर क्लिक कर देना। जैसे ही गेट ऑफ पर क्लिक करोगे आप देखोगे कि आप इस लकड़ी के अंदर आ गए। यहाँ पर आप बहुत देर तक छुपे रह सकते हो और अपना रैंक भी पुश कर सकते हो। अच्छी बात तो यह है कि आपको यहाँ कोई देख भी नहीं सकता, लेकिन आप सबको देख सकते हो। लेकिन आपको यहाँ से फायर नहीं करना है वरना आप एलिमिनेट हो जाओगे। अगर आपको यहाँ से निकलना है तो ड्राइव बटन पर क्लिक करके आसानी से निकल सकते हो। तो चलिए देखते हैं अगला ट्रिक। नंबर थ्री, थर्ड ट्रिक को करने के लिए किसी भी ज़िपलाइन के पास वो कॉन की एबिलिटी और इस वाले गन के साथ आ जाना है। उसके बाद गन को हाथ में लेकर फायर बटन पर दबाए रखना है। उसके बाद वोकॉन्ग की एबिलिटी 2 सेकंड के लिए यूज करना है और कैंसिल कर देना है। अब आप देख सकते हो कि मेरा कैरेक्टर किस तरह से गन को हाथ में पकड़ा हुआ है, जो कि बहुत फनी लग रहा है। जैसे ही आपका भी कैरेक्टर ऐसे गन को पकड़ ले, उसके बाद आपको जिपलाइन के पास जाना है और जंप करके जिपलाइन को यूज कर लेना है। उसके बाद आप देखोगे कि कैरेक्टर ने हाथ से जिपलाइन को पकड़ा ही नहीं है। अगर आप नॉर्मल जिपलाइन यूज करते हो तो ऐसे नहीं होगा। अगर आपको आपका फ्रेंड या कोई एनिमी आपको स्पेक्टेट कर रहा होगा तो उसे भी आप ऐसे ही दिखोगे, यानी बिना हाथ से जिपलाइन पकड़े हुए ही, और वो पक्का पूछने वाला है कि आपने किया कैसे। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर भी कर देना। तो चलिए देखते हैं अगला ट्रिक। नंबर फोर, चौथे ट्रिक को करने के लिए बीमा शक्ति के पास ग्रैपलिंग हुक गन लेके आ जाना है। और जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आपको भी वैसे ही करना है, यानी गन को यूज करना है मेरे जैसा। उसके बाद आप बीमा शक्ति के ऊपर चले आओगे और आप यहाँ पर बहुत देर तक सरवाइव कर सकते हो जब तक यहाँ पर जोन हो, और रैंक पुश करके हीरोइक एक दिन में जा सकते हो। और अगर यहाँ पर कोई होगा तो उसे मार भी सकते हो। वो बंदा भी सोच में पड़ जाएगा कि ये बंदा आया कहाँ से। अगर कोई बंदा नीचे भी दिख रहा है तो आप उसे भी आसानी से मार सकते हो। और आपको जब नीचे उतरना हो तो आप फिर से उसी गन को यूज करके बहुत ही आसानी से बिना डैमेज के उतर जाओगे। तो चलिए देखते हैं अगला ट्रैक। नंबर फाइव, यू एंड मी हैंगिंग फ्रॉम द विलो ट्री क्वाइटली ड्रिफ्टिंग इन